नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आज यूपी के बुलंदशहर में ठगी का नायाब तरीका सामने आया है। बुलंदशहर के गुलावठी में एक शातिर ठग ने बुजुर्ग महिला को इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जमानत के रूप में मां बताकर बैठा दिया और 50,000 से अधिक का सामान लेकर चंपत हो गया। जालसाज ठग जब रुपए चुकाने और महिला को लेने के लिए नहीं लौटा तो महिला से पूछताछ की गई, तब ठगी का पता चला। फिलहाल गुलावठी पुलिस दुकानदार की शिकायत पर जांच कर रही है। टेल बता दो। नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? अहमदानगर की रहने वाली है, मोदी नगर जा रही है। नाम क्या है? ओमवती। क्या घटना हुई है आपके? यो घटना हुई है, यहाँ अड्डे पे मैं आकर उतर गई बुलंदशहर वाली बस में, यहाँ से उतर के मैं कह लगी मैं मोदी नगर नाच कर कट्टा धर के लाई हूँ, मोदी नगर को जा रही हूँ। मैं बोली भैया कहाँ जाएगा, नहीं हापड़ जाऊँगा। मैं कहा भाई कहाँ तक जाएँ, तहसील पे। मैं कहा तो मेरा कट्टा धर ले भैया, उनसे ना कट्टा रख लिया। यूँ आया पीछे सू, यूँ कहा अम्मा वो भाभी जी कहाँ जा रही हो, आ जाओ। मैं चल जाऊँ, गाड़ी खड़ी मेरी, मेरी मम्मी बैठी है, आ जाओ तुम आ जाओ। मैं तू कौन है, मुँह ढाटा मार रखा उसने अच्छी तरह से ढाटा मार के। मैं बोली मैं इतना जानती तुझे कौन है, कहाँ की बात है। भाभी मैं मम्मी माना बैठी, तुम जानती ना मुझे? मैंने कि मैं तो ना जानती भैया तुझे, नहीं चलो मम्मी से मिलाऊँ तुम्हें। कट्टा तार लिया इनने, नहीं मम्मी से मिलाऊँगा, गाड़ी खड़ी है, डॉक्टर के मम्मी है और मैं बिजली का सामान लेऊँगा। जो गाड़ी था मैंने ना गाड़ी देखी बेटा, बच्चे मैंने गाड़ी कोई नहीं देखी। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे बताओ। आगे फिर इन्हें स्कूटी पर अपने पर कट्टा तार के ऊपर सू स्कूटी पर धर लिया, मैं बैठा ली। अम्मा चलो पहले बिजली का सामान लेंगे जब गाड़ी में बैठेंगे, और तुम्हें मैं मोदी नगर छोड़ आऊँगा। यूँ बात ही तो आपके सामने तो वो सामान खरीद रहा था। हाँ हाँ, जो दुकानदार को ये बताया गया कि आप माँ है उसकी और आप नहीं जानते? मेरे आगे नहीं बताई। अच्छा, आपके सामने नहीं बताई। मैं दुकानदार से यूँ कह रही हूँ, मगर भैया यू कहाँ का है, यू भटोने का कहाँ का? कह लगा न्यू भटोने का होएगा। इन्हें भी नहीं कही भटोने का होएगा, जाना है ना जाना है, जो मैंने सु कही है। सामान लेकर जा लिकड़ रहे, जब लिकड़ भी गया हो सारा मैं देखा नहीं। मैं बोली भैया सु पैसे वैसे तो ले ही लेता। इसने यू बोला न्यू पैसे दे, गाड़ी सामान धर का आगा जब देगा जो के बदले में तुम्हें बिठा गया। हाँ, और फिर इंसू कह रहा मैं माला गया और मैं मेरे से भाभी भाभी करता है। आपको जमानत में बिठा के गया वो इस दुकान पे? नहीं, न्यू कर का बैठे तुम पंखे में बैठ जाओ और मैं सामान धर का आ जाऊँ, गाड़ी लेकर आ रहे हो मम्मी लेके। और मम्मी दो बार मेरे से न्यू कह गया कि मम्मी आ रही है, न्यू कह रही है मैंने भाभी मिल गई है, न्यू तो भाभी तुम लिए गए नहीं लिए है, न्यू तो मम्मी चल गाड़ी में बैठा कर भाभी से मिला। कुछ ना बेटा कुछ ना, काय के कसम ले लो, धर्म ले लो, चाहे मुझे कुछ भी जेल में फांस दो, मैं कुछ नहीं जानती बेटा। आपने पहली बार देखा? बिल्कुल पहली बार देखा, और मैं तो लोभ में फंस गई कि मेरे तो 10 रुपये बचेंगे, मैं तो भैया उसकी गैल मोदी नगर पहुँच जाऊँ, भाभी तो वहीं छोड़ का हूँ मोदी नगर ही। मैं तो गुलावटी थाने किस लिए आया, क्या हुआ? गुलावटी थाने में इसलिए आया हूँ, मेरी एक बिजली की दुकान है, मेरी एक बिजली की दुकान है और मेरी दुकान पर एक ग्राहक बन के ठग आया। जैसे ही आया कि भाई ये सामान निकाल दो, ये सामान मैंने निकाला है, बोला मैं अभी आता हूँ बैंक हो गए। बैंक हो के आया हो, इन औरतों को साथ लेकर आया, अम्मा को साथ लेकर आया, बोले ये मेरी मम्मी है, बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ है और परेशान हो गए। मन गए तुम्हारी मम्मी है तो अंदर बैठा दो दुकान में। और जैसे ही सामान पैक हो गया, सामान पैक हो गया, इन्हें बैठा के बोले तुम पर्चा बनाओ जल्दी, थोड़ी लेट हो रहा हूँ मैं, पर्चा बनाओ और मैं सामान रख देता हूँ। मैं ठीक है, अम्मा से बाद में अम्मा ने कही कनु के तो मेरा बेटा ही नहीं है। फिर मैं आया हूँ अड्डे तक, देखा चारों तरफ नहीं मिला कहीं, ले गए ले गए, करीब 50,000 से ऊपर का सामान था। अब क्या हुआ फिर, थाने कैसा है आप? थाने में आया, अम्मा को लेकर आया, वो ये मम्मी है, मम्मी है। मैंने कहा जी तुम तो मम्मी हो उनकी, ये कह लगे मैं तो मम्मी हूँ नहीं। मैंने 112 पे कॉल करी, 112 पे कॉल करी, PCR गई, PCR वालों ने मुझसे पूछताछ की, पूछताछ करने में कनुक चलो थाने चलो आप। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।